जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो आज इसको सुनेंगे और जो नई भी सुनेंगे, उन सबको ये मैं पहले कहना चाहूँगा, सत्य की जीत हमेशा होती है, इंसाफ इंसाफ है, हिंदुस्तान आपके साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। हमारी मोडेलिटी कुछ भी रही हो उसको आज मैं दोहराऊंगा नहीं, पर ये कहना चाहूँगा कि हम सही रास्ते पे थे और उसको भगवान को भी मंजूर था, ऐसा ही होगा। अब उम्मीद करता हूँ मैं जज साहब पूरा अपना ध्यान लगाकर फौजियों के साथ जजमेंट भी उसी के हिसाब से देंगे। पर एक बड़ा मुद्दा इससे निकलता है, सतबीर सिंह साहब जनरल साहब के अगुवाई में जो चल रहा था, उनके बहुत ही अहम सलाहकार हेल्प करने वाले जैसे गांधी जी और भी अन्य लोग जो थे उनके साथ जुड़े रहे, क्योंकि उनको पता था ये जो रास्ता इन्होंने पकड़ा है वो एक बहुत सही का रास्ता है और इसी से हमारे साथ फौजियों के साथ न्याय हो सकता है। लोगों ने भटकाने की कोशिश करी बीच में, कई लोगों ने फटकर हमारे खिलाफ किया, हमारे फौजी भाइयों को डिवाइड करने की कोशिश करी, ये तो सिर्फ अफसरों के लिए है, हमारे जवानों का कुछ नहीं है। कितना गलत है, कितना दुख होता है इस बात को सुनकर कि आप सच्चाई को भांप नहीं सके, सुन नहीं सके और उसके ऊपर आपने एक भी अपनी आंख उठाकर नहीं सोचा कि ये बिल्कुल सच हो सकता है जो कि आज हुआ है। इसको अभी लागू हो जाएगा जिस दिन आप देखेंगे कि हमारे जितने फौजी भाई हैं उनका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके अंदर 95% प्लस लोग जो हैं वो हमारे फौजी भाई हैं, द नॉन कमीशन द बिलो व्हाटएवर रैंक दे कॉल इट, रैंक एंड फाइल आई वुड यूज़ द वर्ड। ठीक है, बस इतना ही कहूँ चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया और अभी तो हमारे और से भी बहुत मुद्दे हैं वेलफेयर के, अब वो धीरे धीरे लिए जाएंगे। अब इससे फारिग होकर हम उनके ऊपर ध्यान जाएगा, इस पर बहुत टाइम हमारा लग गया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। इतना ही है, फौजी एकता जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद, फौजी एकता जिंदाबाद, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। विशेष एक मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। रक्षा बलों में एक वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी से संबंधित मांग को लेकर भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज यानी कि बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा गया। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो अपने साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो। तो दोस्तों, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो हुई थी उसकी सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ओआरओपी को सैद्धांतिक मंजूरी देने पर 17 जनवरी 2014 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश के था। 16 फरवरी की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केंद्र ने ओआरओपी नीति का बढ़ा चढ़ाकर बखान किया है, सशस्त्र बलों के पेंशन लाभार्थियों को असल में दिए गए लाभों की तुलना में कहीं अधिक गुलाबी तस्वीर पेश की गई है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट में, चलिए उसके बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। आरोपी को लेकर शीर्ष न्यायालय में जो सुनवाई हुई है, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वन रैंक वन पेंशन पर अपना बचाव किया है। सरकार ने 2014 में संसदीय चर्चा बनाम 2015 में वास्तविक नीति के बीच विसंगति के लिए पी चिदंबरम को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र ने 2014 में संसद में वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर विसंगति का आरोप लगाया है। केंद्र ने कहा चिदंबरम का बयान 2014 का तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया गया था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने कहा कि रक्षा सेवाओं के लिए ओआरओपी की संवैधानिक जो मंजूरी है उस पर बयान तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा 17 फरवरी 2014 को तत्कालीन केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बिना दिया गया था। और दूसरी ओर कैबिनेट सचिवालय ने 7 नवंबर 2015 को भारत सरकार 1961 के नियम 12 के तहत प्रधानमंत्री की मंजूरी से अवगत कराया। सुप्रीम कोर्ट ने
23 फरवरी को अब इस फैसले पर सुनवाई करेगा। यह फैसला लिया था 16 फरवरी को, पिछली सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की अतिशयोक्ति ओआरओपी नीति पर आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करती है, जबकि इतना कुछ सशस्त्र बलों के पेंशन धारकों को मिला नहीं है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि ओआरओपी कैसे लागू किया जा रहा है, ओआरओपी से कितने लोगों को लाभ हुआ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने संसदीय चर्चा और नीति के बीच विसंगति पर याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर का हवाला दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा था कि समस्या ये है कि पॉलिसी पर आपकी अतिशयोक्ति वास्तव में दिए गए लाभ तुलना में बहुत अधिक आकर्षक तस्वीर प्रस्तुत करती है। केंद्र अपना बचाव करते हुए बोली कि नीति का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया है। एससी ने केंद्र को बताया कि ओआरओपी की अभी तक कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ओआरओपी एक वैधानिक शब्द नहीं है, ये कला का एक शब्द है। तो दोस्तों, केंद्र की ओर से एएसजी वेंकटरमन ने कहा था, हाँ ये कला का एक शब्द है जिसे हमने बारीकियों के साथ और बिना किसी मनमानी के परिभाषित किया। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एक मंत्री द्वारा सदन के पटल पर बयान दिया गया कि नैतिकता क्या है। वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हुई व्योभट को 1965 से 2013 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व सैनिकों की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त होती है। केंद्र ने पेंशन में अंतर को संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति यानी कि एमएसपी नामक प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि ओआरओपी को एमएसपी से जोड़कर सरकार ने लाभ को काफ़ी कम कर दिया है, जिससे ओआरओपी का जो सैद्धांतिक है वो पराजित हो जाता है। दरअसल याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि संसद के पटल पर आश्वासन के बावजूद जो लागू किया जा रहा है वो व्यक्ति के सेवानिवृत्त होने के आधार पर समान रैंक के लिए अलग अलग पेंशन है। हर 5 साल में पेंशन बराबर करने से पिछले सेवानिवृत्त लोगों को गंभीर नुकसान होगा। याचिकाकर्ताओं ने ओआरओपी के तहत पेंशन के वार्षिक संशोधन और पूर्व सैनिकों के 2014 के वेतन के आधार पर पेंशन की गणना करने की मांग की है, जबकि सरकार की 2015 की अधिसूचना के अनुसार पेंशन की आवधिक समीक्षा 5 साल और पेंशन 2013 के वेतन के आधार पर तय की गई थी। और आज जो सुनवाई हुई है दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भूतपूर्व सैनिकों के जो फैसला है उसको सुरक्षित रखा है। जल्द ही हमारे पेंशन धारकों को उनका हक जरूर मिलेगा। हम जो भी नेक्स्ट फैसला आएगा आपको तुरंत अवगत करा देंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।